नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सारदे और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री दादे इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये आप देख सकते हो मेरे पास ये 12 वोल्ट चलने वाली एक डीसी मोटर है हमारे में, जो कि इसको अगर हम 12 वोल्ट चलाते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। पर क्या होगा अगर इस 12 वोल्ट की मोटर को हम एसी इनपुट 220 वोल्ट दे दें तो क्या यह मोटर हमारी चलेगी या फिर नहीं चलेगी? और अगर चली तो कितनी देर चलेगी, और नहीं चली तो आप समझ ही चुके होंगे कि 12 वोल्ट की मोटर को हम 220 वोल्ट अगर देंगे तो क्या हमारी मोटर का हाल क्या होगा। तो देखना है यही आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ा निवेदन है मेरा कि कृपया इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके ना देखें, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक साबित भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आप देख सकते हैं ये डीसी मोटर है। तो चलिए मैं आपको पहले इसको 12 वोल्ट से चला के बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 12 वोल्ट का एक अडाप्टर है, तो मैं इसमें इसको लगा के आपको चला के बता देता हूँ कि ये किस तरीके से चल रही है। वाओ, ब्यूटीफुल! ये आप देख सकते हो ये हमने 12 वोल्ट से चला के देखे हैं। और चलिए अब हमारा एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वायर है इनको मैं निकाल लूंगा। और वायर निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं ये जो बिजली वाली वायर है, ये बिजली वाली वायर को मैं इसमें लगा दूंगा मोटर में। ये आप देख सकते हैं ये एक हिस्सा इसका इस साइड लग गया और एक हिस्सा इसका इस साइड लग गया। ये हमारा दोनों हिस्सा लग चुका है। अब बारी है इसको लगाने की। दोस्तों लगाने से पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके ना देखें, प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, तो मैं इसमें इसके प्लग को लगा देता हूँ। ये इसके प्लग लग चुका है और अब बारी है इसमें सप्लाई देने की। तो मैं इधर से इसके एक्सटेंशन बोर्ड को बिजली में लगाता हूँ और बिजली में लगाने के बाद आपको बटन चालू करके बताता हूँ कि हमारी कितनी देर चल रही है। तो मैं इससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ और इसको कर देता हूँ चालू। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दोस्तों आपने देखा जैसा ही मैंने इसको बिजली की सप्लाई दिया तो ये हमारी 2 से 3 सेकंड चली और चलने के बाद इसके अंदर से निकल गया धुआं। धुआं निकल गया इसका मतलब ये है कि ये हमारी जल चुकी है और ये हमारी इसके अंदर से बदबू भी आने लग गई है, मतलब ये हमारी मोटर खराब हो चुकी है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा दोस्तों, आप एक प्यारी सी कमेंट करके बताइए कि एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।